press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। और खास बात यह है कि वो आजकल हमारे प्यारे देश भारत में है। तो चलिए जानते हैं कि आज साजिद ताड़ साहब भारत के किस शहर में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। और मैं बल्कि आपके देखने वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आपसे जुड़ा हूँ आज इंदौर सिटी से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन जो है आने का ऑब्जेक्टिव वो इंदौर में भी है, और इंदौर इज अ मध्य प्रदेश का सिटी है और मेरा इससे सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं, जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं। और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले भी यहाँ पे इंदौर पड़ा आना जा रहा था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू छठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, छठी दफा, बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मैं इस दफा भी आया हूँ। पहले भी सबसे बड़ी बात है, आते ही मैंने जिस तरह आपको तस्वीर भेजी है अपनी, कि उसमें आते ही देवी एलिया बाय होलकर उनका सामने जो बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उनके बारे में यूनिवर्सिटी है उनकी, और होलकर फैमिली जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी उनके बारे में। लेकिन इससे पहले जो मैं इसका बल्कि ये बताना चाहूंगा कि इंदौर जहाँ बैठा हूँ इस कॉल्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। मिनी मुंबई इसलिए कहा जाता है, एक तो मुंबई के आसपास है, नजदीक है, सरस्वती और कान्हा जो दो दरिया है उसके संगम पे इसको बनाया गया। इसका पुराना नाम इंदौरपुर भी था, अंदूर भी था इसका नाम, फिर राजा इंद्र सिंह थे जिनके नाम पर बनाया गया ये। मालवा का मौसम यहाँ का बड़ा मशहूर है, शामें बहुत ठंडी हो जाती हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें कि हिल स्टेशन है, या कैपिटल मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहां मैं जा चुका हूँ दो दफा, बहुत खूबसूरत शहर है वहां। वहां पे दरमियान में लेक है, उसके आसपास घर है, आप वहां पे जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक एक इसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहां पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है, यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और दूसरा, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5,000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें जो इसमें इंदौर के, लता मंगेशकर वॉज बॉर्न हियर, जो कि आपको मालूम है कि शी इज अ लेजेंड, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनते हुए। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, सलमान खान जो बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो, वो यहाँ से हैं, सलीम खान यहाँ से वो पैदा हुए यहाँ पे। जॉनी वॉकर एक एक्टर हुआ करते थे 1926 में, वो बड़े मशहूर, वो यहाँ से हैं। जो मेरे लिए किशोर कुमार एक बहुत बड़े लेजेंड है, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनता हुए, वो यहाँ से हैं। और सबसे बड़ा, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं बेचारे फौत हो चुके हैं, मेरे सबसे बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, वो यहाँ से, मैं आज भी उनके शेर सुनता हूँ, इंजॉय करता हूँ, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, वो यहाँ पे है। माओ एक जगह है, उन्हीं उसी जगह से थे, माओ एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पे बनाई गई थी। और अमेजिंगली बल्कि मैंने उसमें कुछ दोस्तों से रस्ते में भी आते पूछता रहा कुछ कि किस तरीके से इंदौर को आपने क्लीनर सिटी किस तरह बना। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, 3,000 डस्टबिन लगाए गए हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए शहर। लेकिन इसमें आरजू भाई ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक
चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उसको उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया। और IMS ने 14.45 करोड़ उससे जनरेट किया वेस्ट डिस्पोजल से, 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से उन्होंने इसको एक इनकम की तरफ लेकर वो गए, जो कि मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल। और दूसरा मैं अगर देखा जाए, मैं मेरे को यह दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ तो थोड़ी सी हमें जो मैं हमेशा जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा, आपको हमें देखना होगा। एक चीज मुसलसल आरजू जो एक हमने उसको अपने अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। आप मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से, आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलासफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है जिस तरह मैंने बताया, आपका GDP $341 बिलियन है, और एक कंपनी अलोन जो कि 1868 में बनी है वो एक, और सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है, 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी, और आज देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे हैं, और आज भी दे आर, अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिलत को तो मलिक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार, फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए, जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं तो बाहर से कैसे आएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे जहन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो PTI ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया बहुत सियाती की कि क्या पाकिस्तान में एक खातून को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये 21st सेंचुरी, मैं उनको उनसे पूछना चाहूंगा, एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर को 3.5 साल अगर चला सकती है तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है भाई। दूसरा यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट चलाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश बंगालियों ने, वहां पे हसीना वाजिद है, खालदा ज़िया रही है वहां पे, वहां उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं है किसी खातून से। लेकिन आप आज फिर यहाँ पे एक डायलॉग चल रहा है कि भैया हम ये क्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर कल लाहौर में जो हुआ एक वाकया खातून के साथ, जिनके ड्रेस को लेकर के जी इसमें तो कुरानी हदीसें या आयत लिखी है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और उस बेचारी को मौलवियों ने बिठा के माफी मंगवाई है, उसकी जान को खतरा हो गया, यहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया, ये तो हाल ही का। मैं यही अर्जू, मेरा मकसद पॉइंट, मेरा पॉइंट बात करने का यही था कि हम एक जगह पे आके रुक गए हैं, बल्कि रुके नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, हमें आगे जाने की जरूरत है।
मजहब जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मजहब आपका पर्सनल मैटर है, चाहे जो जिस जो मर्जी बिलीव करें आप इस सोसाइटी को दुनिया को दे क्या रहे, ये सोचने की बात ही है। आप इस वक्त आपकी आप दुनिया में मौजूद हैं, देखें दो वक्त तीन वक्त का खाना खा के सोना तो ये जानवर भी कर रहे हैं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं सोसाइटी कम्युनिटी के लिए अगर बुरा काम कर रहे हैं तो उस आप क्या समझते हैं, आप किसी भी मजहब में आप किसी चीज को खुश करके कोई अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर की मैं आज जहां बैठा हूं अफसोस के साथ कहूंगा मेरे मजहब के अंदर कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, करने वाले आज इंदौरी कर रहे हैं। और इंदौर खासकर मैं जब कल आ रहा था तो इंदौर के अंदर यहाँ पे बोहरा मुसलमान बहुत है, दूसरे मुसलमान भी बहुत ह्यूज कम्युनिटी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का जोर है, इसको ज्यादातर कहा जाता है हिंदू बेल्ट है यहाँ पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में इनके पॉजिटिव एनालिसिस जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा। जहां पे आपने देखा साजिद ताड़ा साहब आज इंदौर में मौजूद है, जहां पे इंदौर की उन्होंने बहुत ही ज्यादा तारीफ की और बात की हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में और खासकर टाटा ग्रुप के बारे में जिसका मार्केट गैप पूरे पाकिस्तान के GDP से भी ज्यादा हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।